मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलैंडर्स पीएसएल फाइनल के आखिरी ओवर की कहानी, जहां शाहीन आफरीदी की टीम बनी चैंपियन। लाहौर कलैंडर्स ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में शाहीन आफरीदी की टीम ने मुल्तान सुल्तान्स को एक रन से हरा दिया। लाहौर की जीत के हीरो कप्तान शाहीन आफरीदी रहे, जिन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। लाहौर कलैंडर्स ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का खिताब जीत लिया है। शनिवार 18 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में लाहौर ने मुल्तान सुल्तान्स को एक रन से पराजित किया। लाहौर की जीत के हीरो कप्तान शाहीन आफरीदी रहे, जिन्होंने पहले बल्ले से तबाही नाबाद 44 रन मचाई और फिर गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 4 विकेट चटकाए। लाहौर ने पिछली बार भी मुल्तान को ही पराजित करके ट्रॉफी पर कब्जा किया था। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच और एहसानुल्लाह प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। यह फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा और आखिरी दो ओवरों में लाहौर कलैंडर्स को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी ने मिलकर हारिस राउफ के 19वें ओवर में 22 रन बनाए, लेकिन जमान खान के आखिरी ओवर में वे दोनों 13 रन बनाने में नाकाम रहे। मैच की अंतिम गेंद पर मुल्तान को जीत के लिए चौके की जरूरत थी, मगर दो ही रन बन पाया।